चिड़िया है देखिए यहाँ पर, छोटा छोटा चिड़िया। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, जैसे मैं हमेशा नदी की ओर जाता हूँ तो आज भी नदी की ओर जा रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे चिड़िया यहाँ पड़ी है। हाँ, इधर का भी सीन ले लीजिए, अच्छा लग रही है इधर का। ठीक है, ये जो पहाड़ है ना, कभी इस पहाड़ के ऊपर हम लोग चढ़ेंगे तो पहाड़ के ऊपर क्या क्या चीज़ है ना वो हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। हाँ, ढलान से उतर रहे हैं हम लोग, स्लाइडिंग होते हुए उतर रहे हैं, गिर भी सकते हैं बाइक से हम लोग। तो ये रहा बहुत खूबसूरत सा नदी जिसे हम लोग वेस्ट बोकारो नदी भी कहते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत है। बात तो सही कहे मित्र, नदी को मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, बहुत खूबसूरत नदी है। बड़ा सा पुल है, पानी कितनी साफ है सर, देखिए तो साफ है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फिर सेंटर और मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं नदी की इस खूबसूरत इलाके में घूमने के लिए आया हूँ, आप लोग को नया दृश्य दिखाने के लिए आया हूँ। तो मैं इसके लिए आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल इस नदी में छठ पूजा मनाई गई थी, इसलिए इस प्रकार का व्यवस्था यहाँ पे मजदूरों के द्वारा की गई है। तो बालू भर के बोरा बिछाए गए हैं और लोहे वाला पुल भी लगाई गई थी जिसे कंपनी ने हटा ली है। पानी बहुत साफ है, दिख रहे हैं ना पत्थर जो है, पूरा साफ दिख रही है। कोई गोल गोल पत्थर है क्या यहाँ पर, लड्डू वाला पत्थर? हाँ है, बहुत सारा है। अच्छा, मैं निकाल के दिखाऊँ क्या आपको? नहीं नहीं, ठंडी का मौसम है, मत जाइए पानी के अंदर। तो दोस्तों, इस नदी में ये नदी का दो धारा बह रही है, इधर भी बह रही है और उधर भी बह रही है। इस ओर मैं चलता हूँ। दोस्तों, नदी में मैं गोल गोल सुंदर सुंदर पत्थर ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों, कोई भी अगर नदी होता है तो नदी का तीन स्तर होता है। ऊंचा स्तर पहाड़ी वाली, ये बीच का स्तर नीचे वाली, और तीसरा समतल वाला स्तर मैदानी क्षेत्र वाली। ये तो नदी, मैं मैदानी क्षेत्र में तो नहीं बोल सकता हूँ, ये इलाका जो है नदी का, इस ओर का इलाका, ये बीच वाला इलाका है।
तो बहुत सारे पत्थर तीनों स्तरों से नदियों में होते होते आती है, तो इस प्रकार पत्थरों में कटिंग हो जाती है, कुछ गोल भी कुछ चपटे भी। ठीक है, ये सभी पत्थर को मैं निकाला हूँ। इसे तो जिंदा पत्थर बोलते हैं, और ये जिंदा पत्थर तो नहीं है। तो सर मैं नदी के उस किनारे की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। तो दोस्तों देखिए, नदी किनारे ये एक प्रकार का पौधा है, इसमें कांटे लगे हुए हैं और ये फूल भी है बैंगनी रंग की वाली। दोस्तों आसपास के हरियाली को देखिए, कितनी खूबसूरत है। दोस्तों नदी में चल रहा हूँ तो मेरे चलने की आहट हो रही है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से नदी का दृश्य काफ़ी सुंदर लग रहा है, दूर से आती हुई नदी और नदी के दोनों तरफ हरे भरे क्षेत्र। दोस्तों ये नदी में कुछ कुछ मछलियाँ भी नज़र आ रही है। ये मछलियों के बच्चे, इनमें से कुछ गरई मछली हैं, कुछ तिलपिया हैं, कुछ पोठी हैं। क्योंकि दोस्तों मछली सब भाग रही है। ये भागती हुई मछलियां, ये सब जो घास है ना, ये सब में झींगा मछली रहते हैं। देखिए देखिए, झींगा मछली है। अच्छा, झींगा मछली है। हाँ देखिए, यहाँ पर ये झींगा मछली है बहुत सारा।
तो दोस्तों देखिए, अभी दिसंबर का अंतिम दिनों आ गया है और जाड़ा ही लग रही है, ठंड ही लग रही है। तो नदियों में मछलियों के लिए मैं ज़्यादा तो घुस नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कुछ घोंघे को चुना हूँ। मुझे कुछ घोंघे मिले हैं, तो इनका मैं एक व्यंजन बनाऊँगा इसको पानी में खौलाकर। काफ़ी मुझे ये प्रिय है। और दोस्तों, मेरा मित्र ने उस और एक पत्थर का मीनार बनाया है, तो मैं चलिए देखता हूँ किस प्रकार को मीनार खड़ा किए हैं, ताकि आप लोग भी उस मीनार का आनंद ले सकें। दोस्तों, पत्थरों से तो मेरे हाथ भर आए हैं। दोस्तों देखिए, मेरे मित्र ने क्या बनाया है। ये बिल्कुल एक छोटा सा मोनूमेंट यानी बिल्डिंग बना है मेरे मित्र ने। गोल सा पत्थर दिए हुए इसमें हम, फिर हाँ। उसके बाद गोल सा पत्थर, फिर गोल सा, फिर एक चपटा, फिर उसके बाद एक चपटा, ऊपर में एक गोल सा पत्थर देखिए। हाँ, बिल्कुल। तो आप कितने खूबसूरत सा हम खड़ा किए हैं इसको हम। ये बहुत पसंद आया मुझे आपने जो ये बनाया। अच्छी लगी ना? हाँ, अच्छी लगी। मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने कितनी मेहनत से इसको मैंने खड़ा किया है। इंजीनियर लोग भी बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं ना, बहुत मेहनत से उसको खड़ा करते हैं। तो मैंने भी देखिए गोल गोल पत्थर देके मैंने किस प्रकार इसको खड़ा किया है। आपने अच्छा किया मित्र। तो आप भी लेके आए पत्थर? हाँ, मैं तो लेके आया हूँ। अच्छा, काफ़ी खूबसूरत पत्थर लेकर आए आप भी। इसके ऊपर अगर रखेंगे ना कोई भी पत्थर तो गिर जाएगा वो। हाँ। तो दोस्तों देखिए, मेरे मित्र ने ये दो छोटा सा मोनूमेंट भवन या बिल्डिंग बना दिए हैं पत्थर से, जो मुझे काफ़ी पसंद आया है। और आज तो मैं नदी का ये दृश्य भी दिखाया। ये जो नदी जो वहाँ आगे से चल करके दो भाग में डिवाइड हुई है या भाग हुई है, तो दोस्तों मैं वीडियो के अंतिम मुकाम में पहुंच चुका हूं। तो दोस्तों, मैंने अभी तक तो मैंने महिलाओं को नमस्कार तो नहीं किया था, किंतु आज ख़ास तौर पे मैं महिलाओं को नमस्कार कर रहा हूं, जो मेरे माताएं लगेगी या भाभी लगेगी या बहनें भी लगेगी। तो उन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे कुछ महिलाएं दर्शक भी आगे बढ़े, भाभी के रूप में, माता के रूप में और बहने के रूप में, और मुझे मेरे वीडियो को और मेरे रिवर ब्लॉग को सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो को फ़िलहाल यहीं पर समाप्त करता हूं। फिर मिलता हूं किसी प्रकार के नए रोमांचक वीडियो पर किसी नए विषय को लेकर। धन्यवाद।